اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حق سچ دی کرنی گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں یاری لانی دلوں حضور دے نال لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے چاگے رس جائے در رب کریم دا چھڈنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالی دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اج اس مقام تے عظیم عنوان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں جن احباب نے اج دی اس عظیم و شان کانفرنس دا اہتمام فرمایا خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا قاری شباز احمد ربانی صاحب حفیظہ اللہ انہاں دے رفقا حافظ رانا ساجد صاحب رانا محمد عابد صاحب اور دیگر رفقا بھائی رانا محمد جوید صاحب اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام اور بقیت السلف مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ محفل دی رونق نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرات قرآن پاک دیاں دو آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ایک سورہ آل عمران اور دوسری سورہ احزاب پہلی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا
फरमाया इन अल्लाह हस्तफा आदम व नूहं व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन। पूरी इंसानियत जिंदरों अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं चुनिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद जिंदरों अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा इंतखाब फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने दो खानदाना नूं चुनिया, एक नूं आले इब्राहिम एक नूं आले इमरान कहा जांदा है। इन्हां दोनों खानदाना जिंदरों अल्लाह ताला ने ज्यादा मुकाम व मरतबा आले इब्राहिम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाया। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान किया वत्ता खदल्लाहु इब्राहिम खलीला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने अपना खलील कहा। उलमा तशरीफ फरमा ने अरबी के अंदर खलील उन्हें कहते ने जिद नाल बड़ी मुहब्बत होए, जिद नाल बड़ा प्यार होए। किते अल्लाह ताला ने फरमाया वत्ता खिजू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, जिस जगह ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होके बैतुल्लाह दी तमीर की थी, अल्लाह ताला ने उस जगह नू जाए नमाज पढ़ाता। और किते अल्लाह फरमांदे इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया इब्राहिम असीं तैनू लोगां दा इमाम बना दिते। सही बुखारी किताबुर रिकाक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान कर दे ने, तवज्जो है भाई, ए जेडे पंजाक बंदे अगे बैठे ने ते नजर आ रहे ने, पिछे कोई नजर नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा। मैं अर्ज करांगा कि लाइट दा रुख परे नू करो को पता लगे कि माशाल्लाह बाप बैठे ने ते सारे चुप करके बैठे ने, इंज जिवें दम कराण वास्ते आए। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। खत्मे नबूवत दा जलसा ते चुप करके बैठी हो, अल्लाह तुहाडे हाल ते रहम फरमाए। तो जो करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, बोलो रज़ी अल्लाह ताला, रा गज के बोलो रज़ी अल्लाह ताला। ओए जगह भी गवाही दे, सहाबा दे नौकर ते गुलाम बैठे ने रज़ी अल्लाह ताला अनहुमा। फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह ताला लोगां नूं मैदान माशर दे अंदर इकट्ठियां करेगा। लोग पैरों नंगे होंगे, जिस्म तो बरहना होंगे, बगैर खतनियां तो होंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक दी आया मुबारक पढ़ी कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु। अल्लाह ताला इस तरह कयामत वाले दिन लोगों नूं खड़ा करेगा जिस तरह पहले दिन बच्चा पैदा होंदे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस दिन किसी जिस्म ते लिबास नहीं होएगा, सब तो पहला अल्लाह ताला जिस हस्ती नू लिबास पहनाएगा वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे। इतना मुकाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू दो बेटे अता फरमाए, कितने गज के बोलो कितने, दो ते दिते भी बुढ़ापे दे अंदर। अल्लाह फरमांदे ने कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। अल्लाह तेरा लख शुक्र है, तू इब्राहिम नू बुढ़ापे दे अंदर दो बेटे अता कीते ने, एक इस्माईल है एक इसहाक है अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दी लड़ी दे अंदर तकरीबन मुफस्सरीन लिखदे ने 34,000 या 38,000 पैगंबर पैदा फरमाए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी नस्ल दे अंदर अल्लाह ताला ने इक्को पैगंबर पैदा फरमाए जिन्हां नूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गज के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी लड़ी दिनों पैदा कीता। और सही मुस्लिम तवज्जो करना हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत वासला बिन अस्कार रज़ी अल्लाहु तआला को बयान करदे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद दे अंदर बनी कनाना दा इंतखाब फरमाया। बनी कनाना दे अंदर अल्लाह ताला ने कुरैश दा इंतखाब फरमाया।
कुरैश जिंदर अल्लाह ताला ने बनी गाशम दे इंतखाब फरमाया और बनी गाशम जिंदरों अल्लाह ताला ने मैं मुहम्मद दे इंतखाब फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज समझिए अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत जिंदरों हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु चुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद जिंदरों हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु चुनिया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद जिंदरों दो खानदाना नु चुनिया फिर हजरत इब्राहिम दा इंतखाब होया फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इंतखाब होया फिर मेरे मुहम्मद पाक दा इंतखाब होया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे वास्ते नबी पाक नु मुहम्मद मुस्तफा के आ जांदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पूरी दुनिया अंदर चुने हुए पूरी कायनात नु अफजल ते आला मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्यों ना शुरू दे अंदर मुहब्बत इजहार कर जावां ते तुहानू बेदार कर जावां सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा मक्के दा यतीम आया बन के गम खार यतीम आंदा ओ सुभान अल्लाह। सुन वाले तेरा भी हिस्सा पै जाना चाहिए तेरा मोहब्बत नाल सुन चलाओ अल्लाह बरकत फरमाए सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा मक्के दा यतीम आया बन के गम खार यतीम आंदा सोना लाले गली मांदा मिठड़ी बोली मुश्क पसीना सोने गिने रुख सारे खत्म नबूवत वाली रब ने सर ते रखी दसितारे फलकां ते रब सदिया आ जा होवे मेले करीमां दा मिठड़ी बोली मुश्क पसीना सोने गिने रुख सारे खत्मे नबूवत वाली रब ने सर ते रखी दसितारे फलकां ते रब सदिया आ जा होवे मेले करीमां दा सोना लाले गली मांदा प्यारा लाले गली मांदा सोना लाले गली मांदा। तड़प जाया जे तड़प जाया जे बड़ा मोहब्बत वाला जुमला हाथियां दुल्ला नशरा सीना सोनी पाक पिशानी हाथियां दुल्ला नशरा सीना सोनी पाक पिशानी हाथियां दुल्ला नशरा सीना सोनी पाक पिशानी तक के मुखड़ा मेरे नबी दा होई दुनिया दीवानी जिस दे नाम अंदर वखीरा वखीरा वखरा उदिसे जोड़े तुम्हें मांदा दिसे जोड़े तुम्हें मांदा
सोना लाल गली मंदा प्यारा लाल गली मंदा सोना लाल गली मंदा अल्लाह मैं कुर्बान जावा नबी पाक अली सलातु वसलाम अल्लाह ताला ने पूरी कायनात दे अंदर इंतखाब फरमाया ते मेरे पैगंबर अली सलातु वसलाम दी अजमत दे क्या कहने जिस अंदाज नाल भी नबी पाक दी अजमत नु वेखिया डे पूरी कायनात वाला ते निराले नजर आंदे ने लेकिन मैं अज दी नशिस दे अंदर तुहाडे सामने सिर्फ नबी पाक दी अजमत दे अंदर एक हदीस पेश करना चाहनावा उस सिमन दे अंदर चंद गुजारशात करना चाहना सही बुखारी हजरत जुबैर इब्ने मुतअम रजी अल्लाह खुतान को बयान कर देने रहमत कायनात अली सलातु वसलाम ने फरमाया आप फरमांदे ने ली खमसा तु असमा मेरे पांच नाम ने यानी नबी पाक ने इस हदीस पाक दे अंदर अपने पांच नामां दा जिक्र फरमाया नबी पाक दे सफाती नाम कई ऐसे जिन्हां दा कुरान पाक दे अंदर जिक्र है कई ऐसे नाम जिन्हां दा हदीस पाक दे अंदर जिक्र है मसलन अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे नबी पाक दे सफाती नामां दा तज़किरा करदियां फरमाया फरमाया या अय्युगन नबील इन्ना अरसलनाका शागिदा व मुबशिरा व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अल्लाह ताला ने गौर भी कई मुकामात ते नबी पाक दे सफाती नामां दा तज़किरा फरमाया आज मैं बुखारी पाक दी हदीस दे अंदर वाडे सामने सोने दी असमत बयान करना चाहना अल्लाह दा वास्ता जे ध्यान करिया जे तवज्जो करिया जे नबी पाक फरमांदे ने ली खमसा तू असमा मेरे पांच नाम ने पांच नाम ने अल्लाह नबी पाक फरमांदे ने आ नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंड नहीं पई रग अज वज के दुरूदे पाक पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु दी कसम तुसा दुरूदे पाक पढ़ने मेरे पैगंबर दा फरमान एड़ा बंदा मेरे ते एक बार दुरूदे पाक पढ़ दे अल्लाह दस रहमतां दा नुज़ूल कर दे दस गुनाह माफ कर दे दस दराजात बुलंद कर दे गर्मी बड़ी है तुसा जनाब इत्थे बह के दुरूदे पाक पढ़ने आसमाना तो रहमतां दा नुज़ूल होने इंशाल्लाह सीना ठंडा हो जाने ते गर्मी मुक जानिए बार बार मेरे नाम मेरे मेरी मेरी जुबान से सोने का नाम आएगा मोहब्बत पे आना दुरूदे पाक पढ़ते हैं जाना नबी पाक फरमाते ने मेरा एक नाम मुहम्मद आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दा ओ प्यारा ते निराला नाम है जिदा जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर चार मुकामात ते फरमाया अल्लाह फरमांदे ने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल दूसरा मुकाम फरमाया नुसिला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा मुकाम फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चौथा मुकाम फरमाया मा कान मुहम्मदुन अल्लाह चार जगह ते अल्लाह तार ने कुरान पाक के अंदर मेरे पैगंबर दे नामे मुहम्मद दा तज़किरा फरमाया एक सूरत अल्लाह ताला ने 26वें पारे दे अंदर नादल फरमाई जिदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण मुहम्मद किनू कहया जांदे जिदियां अपने भी तारीफां करन जिदियां बेगाने भी तारीफां करन जिदियां सारा जग तारीफां करे अरशां दा सोहणा रब तारीफां करे मैं कुर्बान जावां मेरे पैगंबर दियां तारीफां मेरे पैगंबर दियां सिफतां हर जुबान ते आइए ध्यान करना तिरमिज़ी दी रवायत पेश करना चाहना वा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु ताला को बयान कर देने रहमत कायनात अली सलातु वसलाम ने फरमाया ओए चाहिए वाले दिया बासियां इरदा गिरतों आने वाला हाफ़ज़ा बादिया ध्यान करना तवज्जो करना तेरे नबी दी अज़मत दे क्या कहने मेरे पैगंबर दी अज़मत दे क्या कहने मेरे तेरे मुर्शिद दी अज़मत दे क्या कहने अल्लाह नबी
अली पाक दे सहाबी बयान कर दे ने रहमत कायनात ने सलातो सलाम दी उम्र 14 या 15 साल है। मेरे पैगंबर अपने चाचा सरदार अबू तालिब दे नाल तजारत दी करत दे नाल शाम दे इलाके वल जा रहे ने। चलदियां चलदियां मक्के दे तजारती काफिर ने एक जगह ते जाके पड़ाव डाल दिते। इत्थे करीब ही एक राखब रहिंदा है, ये अपने मकान दी बलाई मंजिल तो दौड़दा दौड़दा आया, मेरे पैगंबर दे करीब आकर के खड़ा हो गया। रहमत कायनात ने सलातो सलाम वाले इशारा करके कहन लगया, ओए मक्के दियो चौधरी हो, ए बच्चा कौन है ना, इस बच्चे दे बारे मैनु दसो ना, ये किदा कुछ लग दे। लोगां के सरदार अबू तालिब दा बदी जाए मेरे वाल वेखना ध्यान करना, एवें नहीं अज असी खत्मे नबूवत दे जिंदा पाक दे नारे लगांदे, एवें नहीं नबी पाक दी खत्मे नबूवत दी खातर मेरे उलमा मर मिटन वास्ते तैयार ने, अपनिया जाना दे नजराने देने वास्ते तैयार ने। मैं उस पैगंबर दा कलमा पढ़िए, मैं उस नबी दा कलमा पढ़िए, अल्लाह दी कसमे जिस नबी दियां तरीफां अपने भी करदे ने ते बेगाने भी करदे ने। ऐ राखबे ते जदों इहनूं पता चलिया ना मेरे पैगंबर वल इशारा करके कहंदे खादा सैयदुल आलमीन आजा रसूल रब्बिल आलमीन या बासुगुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह राखब बोल करके कहंदे, ओए मक्के वालियो ऐ जेड़ा बच्चा ए जखाना दा सरदार बन वाले, ऐ जेड़ा बच्चे रब दा रसूल बन वाले, ऐ बच्चा इनू अल्लाह ताला रहमत लिल आलमीन बना करके मबूस करेगा। हुण मक्के दे चौधरी हैरान हो गए, परेशान हो गए, कहन लगे ओए राखबा तैनू किवें पता चलिए ये बच्चा रहमत लिल आलमीन बन वाले, ये बच्चा रब दा रसूल बन वाले, ये बच्चा जखाना दा सरदार बन वाले। ते राखब बोल करके कहंदा तवज्जो करना, अपने दिल दियां धड़कना मेरी जुबान दी नोक नाल जोड़ना, मैं नबी पाक दी मुहब्बत तेरे दिल दे अंदर भर के जाना चाहना वा, खत्मे नबूवत दा झंडा लहरा के जाना चाहना। ऐ राखब बोल करके कहंदे ओए मक्के दियो चौधरीओ की पुछदे हो, मैनू किवें पता चले तुसी उस घाटी तो नीचे उतरदे पै सो, मैं अपने मकाम दी बलाई मंदर ते खड़ा सारा मंदर वेंदा प्यासा, तुसी नीचे उतर दे पैसो, इस घाटी दे जिन्ने पत्थर ते दरख्त सड़े इस बच्चे नु चुक चुक के सलाम कर दे पैसन। अल्लाह को अकबर अल्लाह मुहम्मद नु कहंदे ने जिदियां जिदियां अपने भी तरीफा करन ते बेगाने भी तरीफा करन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्यों ना तड़पा जावां मेरे आका दियां सिफेता पे आकार दा जमाना है, मेरे सोने दियां सिफेता पे आकार दा जमाना है, मेरे मदनी दियां सिफेता पे आकार दा जमाना है, मेरे आका दियां सिफेता पे आकार दा जमाना है, सब सोनिया तू सुगेड़ा हसनैन दा नाना है, सब सोनिया तू सुगेड़ा हसनैन दा नाना है, मेरे आका दियां सिफेता रब कसमां उड़ाइयां ने विच कुरान दे आईया ने, रब कसमां उठाइयां ने विच कुरान ते आईया ने, चेगेरा मेरे आका दा हाय चेगेरा मेरे आका दा जिवें हुस्न खजाना है, मेरे आका हाय किते तुसी मेरे नाल मिल के पढ़ो ते राणा टाउन दे अंदर गूंज पै जाए, पता लगे मुहम्मद पाक दे नौकर कट्ठे होए ने, खत्मे नबूवत दे चौकीदार ते पहरेदार कट्ठे होए ने, मेरे आका दियां सिफेता पे आकार दा
आज चाहिए वाले हाफजा बादी राणा टोण वाले सज्जे खब्बे तुआण वाले ये भी जमाने दिंदर शामिल हो जाने दा गूंज पा दियो जिन्ना जिंदगी दिंदर कदी नात नहीं पड़ी आज मेरे नाल मिल के नबी पाक दी नात पढ़ो तुहाडा भी हिसाब है जे खत्मे नबूवत कानफरस दे अंदर मेरे आका दियां सिफतां पे करदा स्टेज बोलेगा ते इंशाल्लाह तुसी भी बोलोगे मेरे आका दियां सिफतां पे करदा जमाना ए सब सोने तो सोगेना हसने दनाना जेड़ा हुण तक नहीं बोले इंशाल्लाह हुण जरूर बोलेगा अल्लाह अल्लाह क्यों आका मैं चनवरीगा ओए क्यों 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 आका मैं चनवरीगा क्यों आका मैं चनवरीगा जग जानदा सारा मेरे आका मदनी दाते चन भी दीवाना है मेरे आ अल्लाह लव कुर्बान जावा मेरे आका दियां सिफतां पे कर दजमाना ए सब सोने तो सोना ओए ओदे रुत बिना कोई तोले ओदे रुत बिना कोई तोले ओदी केड़ा रीस करे जिदे लबा उते रब बोले ओती केड़ा रीस करे जिदे लबा उते रब बोले ओ जिदा जग दीवाना है जिदा जग दीवाना है जागरा दा बाबा है हसने निंदा नाना है इस वास्ते मैरज कर रहा मेरे आका दियां सिफतां पे कर दा जमाना है सब सोनिया तो सोना अल्लाह दा कुरान फरमाया औजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ألقط ظهرك ورفعنا لك ذكرك अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दियां अज़मतां नबी पाक दियां शानां मेरे पैगंबर दा मुकाम ध्यान करिया जे तवज्जो करिया जे मैनू अल्लाह दी कसम मेरा वक्त मैनू इजाजत नहीं देंदा मैं नबी पाक दे नाम ते गुफ्तगू करां बड़ा वक्त दरकार है लेकिन मैं वादा कीता मैं बुखारी पाक दी गदी सुनानी है ते इजाजत लैनी है नबी पाक फरमांदे ने या ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ऐसा नाम है जिदियां तारीफां सारे जग ते हुंदियां पईयां ने। कोई ऐसा नामा नहीं जिदों मेरे पैगंबर दी तारीफ ते सिफत ना बयान हुंदी होए। फजर वेले मेरे पैगंबर दियां सिफतां, ज़ोर वेले, असर वेले, मगरब वेले, इशा वेले, तहज्जुद वेले, इशराक वेले, दिन दे 24 घंटियां दे अंदर, महीने दे 30 दिनां दे अंदर, साल दे 12 महीनियां दे अंदर, मैनूं रब दी कसम है कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरदा जदों मेरे पैगंबर दियां तारीफां नहीं कीतियां जांदियां। आगे मैं अपनी बात नूं मुख्तसर करां। नबी पाक फरमांदे ने आना अहमद, मेरा एक नाम अहमद है, अहमद दा माना मुहम्मद दा माना जिदियां सारे सारे जग तो ज्यादा तारीफां होण, ते अहमद दा माना जिहड़ियां सब तो ज्यादा रब दियां तारीफां करन वाला होए। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर ने अपने रब दियां नियां को तारीफां कीतियां ने। जे मैं मक्का वेना वा, मेरे पैगंबर मक्के दे बाजारां ते गलियां दे अंदर रब दियां तारीफां बयान करदे नजर आंदे ने। जे मैं ताइफ दी वादी वेना वा, मेरे पैगंबर पत्थर खा के अल्लाह दियां तारीफां बयान करदे नजर आंदे ने। जे मैं बदर दा मैदान वेना वा, मेरे पैगंबर अल्लाह दियां तारीफां बयान करदे नजर आंदे ने। जे मैं उहद दा मैदान वेना वा, मेरे पैगंबर अपने दंदां ते अपने रुखसार जख्मी करवा करके रब दियां तारीफां करदे नजर आंदे ने। पंज वक्त मेरे पैगंबर रब दियां तारीफां करदे नजर आंदे ने। सुबह शाम रब दियां तारीफां करदे नजर आंदे ने। इन्नियां को तारीफां कर दित्तियां ने मेरे पैगंबर ने रब दियां के आसमान वाले रब ने आसमाना तो कुरान पाक नादल फरमाया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमि लैला इल्ला कलीला निसफहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरआन तर्तीला। फरमाया सुनिया दिने राती मेरिया सिफतां ते तारीफां करदा रहने। इंज करिया करो अद्धी रात आराम कर लिया करो, अद्धी रात कयाम कर लिया करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, इन्नियां तारीफां मेरे पैगंबर ने अपने रब दियां कीतियां। ते मेरे पैगंबर दा नाम है अहमद। हज़रत ईसा अलैहि सलातु वसलाम दी जुबान पाक ते हज़रत ईसा फरमांदे ने मेरे बाद एक नबी आने वाले जिहदा नाम अहमद होएगा। बोलो सल्लल्लाहु नबी पाक ने सलातो सलाम दा नाम है अहमद। हजरत ईसा दी जुबान ते अल्लाह अल्लाह कायनात दे लोगो, मैं बात तो तूर नहीं देना चाहता, अपनी बात नूं इख्तसार वल लैके जाना चाहना। नबी पाक फरमांदे ने वा अनल माघी, मेरा एक नाम माघी है। माघी दा माना अल्लाह जिया मुखुल्ला को भी अल कुफरा, अल्लाह ताला मेरी वजह करके कुफर दा खात्मा करेगा। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे, अल्लाह फरमांदे ने लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूलम निनफुसहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानु मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। मैनू अल्लाह की कसम है कुरान नबी पाक की अज़मत बयान कर रही है, बुखारी नबी पाक की अज़मत बयान कर रही है, मुस्लिम दियां हदीसां इब्ने माजा ते सुनन नसाई ते तिरमिज़ी दियां हदीसां ते मिश्कात दियां हदीसां मेरे पैगंबर की अज़मत बयान कर रही है। मेरे वल वेखिया जे केड़ी जरूरत है सज्जे खब्बे जाण दी, केड़ी जरूरत है इधर उधर वेखण दी। कुरान पढ़ी जाओ, लोगों नू नबी पाक दियां हदीसां सुनाई जाओ ते खत्मे नबुव्वत दे झंडे लहराई जाओ। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने वा अनल माघी, मैं माघी बन के आया वा। अल्लाह दी यम गुल्ला को बेअल कुफरा, मैनू रब की कसम है मैं बावजूद बैठा वा। इस जिम्मे दे अंदर मेरे जनाब जेम दे अंदर सैकड़ों हदीसा मौजूद ने, लेकिन मशहूर हदीस बयान करना चाहना वा। वक्त का तकाज़ा है, खिलाफ का तकाज़ा है। सही बुखारी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु तआला को बयान करते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कई यहूदियां दा बच्चा बड़ा प्यार कर दे मेरे पैगंबर वास्ते तोहफे ते तोहफे लै करके आंदे रहमत कायनात ने सलातो सलाम दी खिदमत कर दे कुछ दिनों तो मेरे पैगंबर नूं बच्चा नजर नहीं पिया आंदा ध्यान करे अज तवज्जो करे अज बड़ी कीमती गल समझाण लगा वा मेरे पैगंबर नूं बच्चा नजर नहीं आ रहा आप फरमांदे मेरे सहाबा मैनूं ओह बच्चा नजर नहीं पिया आंदा सोहणे ओह ते बीमार है आप फरमांदे ने चलो मेरे सहाबा उस बच्चे दी तिमारदारी करन वास्ते चलीए मेरे पैगंबर गए ने रहमत कायनात दे दरवाजा खड़काए आप करीब जाके बैठ गए ने मेरे पैगंबर ने वेख्या बच्चा मौतो हयात दी कशमकश ने अंदर ते नबी पाक फरमांदे ने या गुलाम या ओ बोलो या एक बारी सारे बोलो या शेख साहब तशरीफ फरमाने अरबी दे अंदर वलद ते गुलाम दा लफ्ज़ उदो बोलिया जांदा है जदों तक बच्चा बालग ना होए मेरे पैगंबर ने यहूदियां दे घर दे अंदर बह के यहूदी बच्चे नु क्या या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह ओ बच्चा कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा बच्चे दी उम्र हले तक बलूगत नु पहुंची बोलो बच्चा बालग होया नहीं लेकिन नबी पाक यहूदियां दे घर दे अंदर बह के यहूदी बच्चे दे बाप दे सामने कह रहे ने बेटा मुसलमान हो जा की हो जा मुसलमान हो जा नबी पाक ने मदीने दे अंदर यहूदियां दे घर बह के यहूदी बच्चे दे बाप दे सामने बच्चे नु इस्लाम दी दावत दी असी पाकिस्तान दे अंदर नहीं दे सकते 18 साल तो पहला कोई बंदा यहूदी होए ईसाई होए सिख होए कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए तो इस्लाम नहीं मनिया जाए तो जी सुने जे बिल ओ जवानो पता जे फेसबुक ते सारा कुछ वेंदे जे टिकटॉक वेंदे जे को नबी पाक दी इज्जत दे बारे भी पढ़िया करो खत्मे नबूवत दे बारे भी पढ़िया करो इस्लाम दे बारे भी पढ़िया करो कानून बनवाते जा रहे हैं जी 18 साल का बच्चा जवान कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए जिदी तबलीग तो मुतासर होया वो गिरफ्त में आएगा कैसी गल है वाह जी वाह ये मदीने की रियासत बनती पई है अल्लाह की कसमे मैं जिम्मेदार जमात का जिम्मेदार खतीब हाँ हजरत अली ने तकरीबन 9 या 10 साल की उम्र के अंदर कलमा पढ़े हजरत अनस ने 8 साल की उम्र के अंदर कलमा पढ़िए अबू जाल की गर्दन उतारन वाले 13 या 14 साल के बच्चे सन अगर 18 साल की पाबंदी लगाओगे तो हजरत अली का इस्लाम किधर जाएगा हजरत अनस का इस्लाम किधर जाएगा तो खुदा का खौफ करो रब को डरो कदी खत्मे नबूवत दिन गद्दारी कदी नमूसे सहाबा ते हमला कदी इस्लाम ते हमला याद रखिए हाफ़िज़ा बादियो सुनो फैसला बादू आया ताले बिलम पैगाम दे के जाना चाहते मैनु रब्बे अकबर दी कसमे पाकिस्तान दी धरती ते जब तक एक भी मुसलमान जिंदे उदो तक खत्मे नबूवत जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद नमूसे सहाबा जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगते रहेंगे इंशाअल्लाह मैनू अल्लाह की कसमे ऐसे बिल साढ़े जूते की नोक ते इस्लाम का दिफा करने वास्ते तैयार हो मुसलमानों ऐसे बिल साढ़े जूते की नोक ते खत्मे नबूवत का दिफा भी करना जानने अजमत सहाबा नमूसे सहाबा का दिफा भी करना जानने इस्लाम का दिफा करना भी जानने पाकिस्तान का दिफा भी करना जानने अल्लाह क्योंकि पाकिस्तान जी साढ़े वड्डियां बनाई इसे वास्ते सी पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी पाक फरमांदे ने बच्चिया कलमा पढ़ ले या गुलाम, कलमा पढ़ लो बच्चा, कलमा पढ़ ले। इन्हें अपने बाप दे चेहरे वाल वेख्या, मैं कहना बाप कहिंदा ना पुत मन ले गल, एहो जियां असियां रोज रोज कर नहीं आया कर दियां। अते अबल कासम मन ले मोहम्मद पाक दी गल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे ने कलमा पढ़े, इधर कलमे दे हरम मुकम्मल होए ने, उधर बच्चे दियां सावां मुकम्मल होईयां ने। आप फरमांदे ने अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनकदहू मिनन नार, अल्लाह तेरा लख शुक्र है मुहम्मद की वजह करके कि यहूदी जहन्नम तो बच के जन्नत का हकदार बन गया। आइए तो जो करना हबीब ब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता थक गए हो, और मैं दिल तक तकरीर सीधी कर दिया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करियो ध्यान करियो, मैं तुहानू इम्तिहान नहीं पाना चाहता, दो बातें रह गईयां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वा अनल मागी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते आप फरमांदे ने वा अनल हाशिर अल्लज़ी युशरुन नासु अला कदमैया, मैं हाशिर बन के आया, कयामत वाले दिन लोगों नु मेरे कदमां ते उठाया जाएगा, यानी मेरे पैगंबर सलाम हैन करके कयादत करनगे, लोग मेरे पैगंबर दे पीछे चलदियां चलदियां जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाणगे। जिवें मौलाना शबाद अबानी साहब बयान कर रहे सन, इहदी तफसील बयान कर गए ने, ते मैं मुहब्बत इज़हार करना चाहना वा। और रब ने करे में दी छां करनी है, जिस दम सोने का करनी है, रब ने करे में दी छां करनी है, जिस दम सोने हां करनी है, रब ने करे में दी छां करनी है, जिस दम आका हां करनी। सर सजदे विचों चुक ले सोना, सर सजदे विचों चुक ले मिठड़ा, सर सजदे विचों चुक ले सोना, मैं कोई तेनू ना करनी है, मैं कोई तेनू ना करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, रब ने करे में दी छां करनी है, जिस दम सोने हां करनी है। और तो जो करे आज बड़ा प्यार वाला बड़ी मोहब्बत वाला जुमला, अल्लाह 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 मेरे पैगंबर सलातो सलाम रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ करेंगे, पहले बख्श दे उम्मती सारे, पहले बख्श दे उम्मती सारे, दूजी गल में ता करनी है, जिस दम सोने हां करनी है, रब ने। हुण मेरे तुहाडे मुतलका जुमला जरा ध्यान करिया जे, चेहरिया वाल भी वेख्या जे, अपनी जिंदगी वाल भी वेख्या जे। नबी पाक नूं अल्लाह ताला फरमाणगे, मेरे पैगंबर सलातो सलाम नूं रब कहणगे, सोहणिया जेड़ा तेरियां मन तारे आ, प्यारिया जेड़ा तेरियां मन तारे आ, असां जन्नत उस दे ना करनी है, रब ने करम दी रब ने करे में दी छां करनी है, जिस दम सोने
हां करनी है माशाल्लाह कारी उल कुरान फजीलत शेख मौलाना कारी अब्दुल वदूद आसम साहब हाफिज़ुल्लाह तशरीफ लाए इंशाल्लाह कुरान सुनानी है सुनाने ते बारा लानी ने इतना सुन के सीना ठंडा करना मैं गल मुकान लगावा नबी पाक फरमांदे ने वा अना लाकिब वा अना लाके तुहाडी कॉन्फ्रेंस दा मौजू वा अना लाकिब अल्लाजी लैसा बादहू नबियुन मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैं आके बन के आया आकब दा माना अल्लाजी लैसा बादहू नबियुन हुन को नबी नबा नवा नबी आ सकदा नवा नबी आ सकदा नहीं आ सकदा कयामत आएगी नबी आ सकदा नहीं आ सकदा मेरे पैगंबर ने गदर ते नु फरमा ली तू मेरे वास्ते जे जिमे गदर ते हारून गदर ते मूसा वास्ते लेकिन ना खातम नबी ना ला नबी आबादी मेरे पैगंबर फरमांदे लौका ना बादी नबी अल्लाह का ना उमर अगर मेरे बाद को नबी हुंदा ते उमर हुंदा लेकिन ना खातम नबी ना ला नबी आबादी मैं आखिरी नबी बन के आया मेरे बाद नबी नहीं आ सकदा और कुरान कहंदा मा काना मुहम्मदुन अबा अखदिम मिर रिजालकुम वलाकिन रसूल अल्लाह के व खातमन नबीन व खातमन नबीन सारी तकरीर भुल जाए जे परा ना भुलिया जे व खातमन नबीन व खातमन नबीन जिन्ना इस्तेहाल लगाए उन्हां नूं मुबारकबाद देवांगा जिन्ना जलसा कराया उन्हां नूं मुबारकबाद देवांगा जिन्ना पैसा खर्च कीता उन्हां नूं मुबारकबाद देवांगा मैं अल्लाह नूं गवाह बना के रब दी कसम उठा के कहना वा खत्मे नबूवत दे जलसे दे इस्तेहाल लगाने भी सवाब ने खत्मे नबूवत दे जलसे दे अंदर आना भी सवाब है खत्मे नबूवत दे जलसे दे अंदर कुर्सियां लगाना भी सवाब है कलील बचाना भी सवाब है खत्मे नबूवत दे अंदर जनाब जलसे दे अंदर साउंड लगाना भी सवाब है खत्मे नबूवत दे जलसे दे अंदर ए वीडियो बना के पूरी दुनिया ते खत्मे नबूवत दा पैगाम देना भी सवाब है ते जिन्ना जिन्ना की सा पाए मैं दुआ करन अल्लाह कोई तमा नहीं कोई लालच नहीं बस तेरे मुहम्मद पाक दी खत्मे नबूवत वास्ते तेरे बंदिया ने एडी सोहनी बजम सजाइए अल्लाह कल कयामत वाले दिन सोने दे खतों दे कौसर नसीब फरमाओ अल्लाह खत्मे नबूवत दे इको हदीस सुना के गल मुका देना चाहना मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि काना दजाल मिर्ज़ा बेईमान असि उन्हूं किवें नबी मन लिए अल्लाह दे पैगंबर हज़रत ते ईसा अल्लाह ने जिंदा उठा लिया आसमाना ते कुर्बे कयामत हज़रत ते ईसा जमीन ते आणगे मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला दे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहि सलातु वसलाम दमिश्क दी एक मस्जिद दे मीनार ते उतरणगे मुकामी लोग सीढ़ी लगा के या हज़रत ईसा ए फरिश्तियां दे परां ते पैर रख के जमीन ते उतरणगे फजर दी नमाज दा वेला होएगा मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम फरमाणगे अथवा नबी पाक फरमांदे ने हज़रत ईसा मस्जिद दे अंदर दाखिल होणगे इंज वालां दे अंदरों पानी दे कतरे गिरे होणगे जिवें तादा को बंदा गुसल करके आए इमामती मुसल्ले ते खड़े होणगे हज़रत ईसा नूं आंदियां वेख के पहचान जाणगे ते कहणगे हज़रत जी आओ ना तुसीं अल्लाह दे पैगंबर हो सानूं नमाज पढ़ाओ इमामत कराओ हज़रत ईसा फरमाणगे माती नमाज तू पढ़ाएगा मैं पीछे पढ़ांगा अज मैं इमाम नहीं बन के आया अज मैं मुहम्मद दा गुलाम बन के आया वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल मुकदी मुकामा कुल अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम कुल अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम सबे अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम ओए कुल अंबिया तो उच्चा मेरे आका दा मुकाम सारे अंबिया सल्लल्लाहु
बस 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 अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। कोले अंबिया सफा में जी साडा नबी इमाम है। अल्लाह की कसम तुसी एक जुमला गणा साडा नबी इमाम है ते ठंड पै जानी है इंशाल्लाह गूंज पै जानी कम अज कम तुहाडी आवाज चाहिए वाले तक ते जानी चाहिए है। कोले अंबिया सफा में जी साडा नबी साडा नबी साडा नबी इमाम है। सब अंबिया तो उच्चा मेरे आका दा मुकाम है। सब अंबिया सफा विच मेरा नबी इमाम है। फलकां ते रब ने सद्या मैं गे मान बनिया रब दा। जिबरील लेने आया ओ वेला सी अदब दा। सीधी रात जाके सोना सीधी रात जाके सोना बनिया रब दा मैं गे माने। कुल अंबिया सफा विच साडा नबी इमाम है। ते मैं दावे नाल कहना है जिहड़ा मैं जुमला करन लगा वां इंशाल्लाह तुहाडे सारे जलसे दी थकावट उतर जाएगी और सीना ठर जाएगा इमाम तादा हो जाएगा। पत्थरां वी कलमा पढ़िया बूजा खल दी मुठी विच पत्थरां वी कलमा पढ़िया पत्थरां वी कलमा पढ़िया पत्थरां वी कलमा पढ़िया बूजा गलती मुठी विच जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच। जिबरील अल्लाह दी कसम बड़ा वड्डा कंजूस है जिहड़ा जुमला सुन के ना बोले। मैं दलील नाल के ना तैनू बोलना पैणा जरूर बोलना पैणे। पत्थरां वी कलमा पढ़िया बूजा गलती मुठी विच जिबरील आवे जावे मेरे आका दी गली विच। ओ सरदार नूरियां दा सरदार नूरियां दा सरदार नूरियां दा मेरे आका दा गुलाम है। सारे अंबिया सफा विच सोना नबी इमाम है। मागा न मुहम्मदुन अबा खातिम मिर्जानकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातम नबीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। मेरे नबी आखरी नबी बन के आए हुण कयामत आएगी को नवा नबी आ सकदा। अल्लाह सोने दी खत्मे नबूवत नाल सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। भाई यासर अल बदर सिटी सेंटर वाले अगे भी कह गए ने दोबारा फिर कह रहे हैं फरमाइशां बड़ियां ने इंशाल्लाह एक फरमाइशी प्रोग्राम करांगे। ए बुजुर्ग कह रहे इन्हां दा बच्चा ना कोई बीमार है दुआ करो अल्लाह उस बच्चे नूं कुव्वत ते गुयाई अता फरमाए और जितने भी बीमार ने अल्लाह सब नूं शिफाए कामला दे नसीब फरमाए। साडे इक बड़े प्यारे भाई सेठ अब्दुल मनान साहब गुजरां वाले तो उन्हां दे वालदे ग्रामी शदीद अलील ने उन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला बुजुर्गों से ते कामल आजल नसीब फरमाए। बस इको फरमाइश भाई यासर दी पूरी करके बाकी फिर उधार सही। सहाबाद नगी में सुनावण सवाब तुहानू नहीं सवाब चाहिए को सुभान अल्लाह। सहाबाद नगी में सुनावण सवाब सहाबाद नगी में सुनावण सवाब गुलाम सहाबा सदावण सवाब। Allah!
अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हजरात अल्लाह की कसम मेरा मौजू अजमत मुस्तफा सी, मैं थोड़ा जहा हिस्सा डालिए, लेकिन याद रखिए अहले हदीस अहले सुन्नत, अहले हदीस होए अहले सुन्नत देवबंदी होए अहले सुन्नत बरेलवी होए, इज्जत सहाबा का मसला होए, दिफाए सहाबा का मसला होए, नमूसे सहाबा का मसला होए, साडा कोई इख्तलाफ नहीं, सिद्दीक की सदाकत वास्ते, फारूक की अदालत वास्ते, उस्मान दे हया वास्ते, अली की जुर्रत वास्ते, अबू हुरैरा की वकाहत वास्ते, बिलाल की इस्तकामत वास्ते, अमीरे मुआविया की सियासत वास्ते, अची तन बदन अल्लाह की कसमें लुटान वास्ते तैयार हाँ, क्योंकि सिहाबा साडा जौक ने, सिहाबा साडा शौक ने, सिहाबा साडा ईमान ने, सिहाबा साडी जान ने। जब तक इस धरती ते एक भी अहले इस्लाम दा बच्चा दिंदे, सिहाबा दी अजमत दा झंडा इंशाल्लाह लहरांदा रहेगा। सिहाबा दिनगे में सुनावण सवा, एक बारी सारे बोल के विखाओ, मैं थोड़ी जान छड़ा को, सुभान अल्लाह। सिहाबा दिनगे में सुनावण सवा दे, गुलामे सहाबा सदावण सवा, मोहम्मद दयारा जुतियां दे थल्ले, आका दे यारां जुतियां दे थल्ले, ए अखियां ए पलकां विछावण सवा दे। सिहाबा दे नगी में सुनावण सवा दे, नमूसे सिहाबा दी खातिर, नमूसे सिहाबा दी खातिर, जल से मैं फिर सजावण सवाबे। सिहाबा उन्हां लोगों की नजर मरा करना चाहना जेड़े कहते हैं चुप कर जो कुछ ना कहो, अल्लाह ध्यान करे अज तवज्जो करे, अज कोई चुप नहीं हो सकती। सिद्दीक के बारे को गल करे चुप नहीं रह सकते, फारूक के बारे को गल करे चुप नहीं रह सकते, उस्मान हैदर के बारे को गल करे चुप नहीं रह सकते, अमीरे मावीया ते बदरी ते उहदी सिहाबा के बारे को गल करे चुप नहीं रह सकते। शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोजा, शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोजा, सिहाबा दे नारे लगावण सवाबे, सिहाबा दे नारे लगावण सवाबे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह।